दोस्तों आपने कौवे और बांस की कहानी तो सुने होंगे। कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बांस को चोंच मारने की हिम्मत करता है, बांस के ऊपर बैठ जाता है और गले में काटता है और चोंच मारता है। लेकिन बांस क्या करते हैं? बांस पलट कर कोई जवाब नहीं देता, ना ही कौवे से लड़ने में समय बर्बाद करते हैं। तो बांस क्या करते हैं? अपने पंख खोलते हैं और उसी उड़ान लगाते हैं। जितना ऊंचाई होता है उतना सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। उसी वजह से एक ऊंचाई पहुंचने के बाद कौवा अपने आप गिर पड़ते हैं। सिमिलरली आप भी अपना समय किसी से लड़ने में, किसी से झगड़ने में बर्बाद ना कीजिए, उसी उड़ान भरिए, ये जो कौवा है अपने आप मिट जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है आप देख पाओगे, ये मेरा कंपोनेंट है, बेसिकली आपका ऑटोमोबाइल कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट की हम जो है आज अलाइनमेंट करने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो मेरा कंपोनेंट है, यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये जो मेरा कंपोनेंट है ये फिएट कार है, तो ये वाला जो आपकी फ्रंट ग्रिल है उसकी आपकी कंपोनेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको गोल में भी दिखा रहा था, ये मेरा जो पुंटो इबो है इसकी आपकी फ्रंट ग्रिल है। तो इसकी हाँ जो है हम आज अलाइनमेंट करने वाले। सबसे पहले आपको जब भी कंपोनेंट मिलती है इसकी आप अलाइनमेंट करते हो, लेकिन इस अलाइनमेंट में आपको देखोगे ये हमें बहुत सारे लिपता रहे, देख पा रहे हो सारा जगह यहाँ पे लिपता रहे, लिपता रहे, लिपता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ लिपतर है, तो इस वाले जो लिपतर है हम इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, इस लिपतर के अकॉर्डिंग पार्ट को अलाइनमेंट कैसे करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नीचे नंबर मेरा मेंटेन है, वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है इसी तरीके से कॉन्टेंट वगैरह सिखाते रहता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो भी कोर्स करना है वहाँ का मेरा जो पहले का जो तीन लेक्चर है, पहले का जो मेरा तीन लेक्चर है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो आप जो है क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्टिंग के तीन लेक्चर जो है फ्री मिलेंगे, फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म भर के भर दो तो स्टार्टिंग का जो तीन लेक्चर है आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है। उसमें अगर आपको सही लगता है तो आगे का क्लास आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो ऑफर है ये नया वॉच के लिए ऑफर चल रहा है, तो आप जाके वहाँ पे सीधा जाके नंबर मेंशन है वहाँ पे जाके अपना एनरोलमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो कंपोनेंट है इसकी आज हम पूरी अलाइनमेंट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मेरा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को मेरे को ये एरिया डिफाइन करना है, इस कंपोनेंट की मेरा फ्लैट एरिया कौन सा होगा, मेरा जो फ्लैट एरिया है वो कौन सी मेरा फ्लैट एरिया है मेरे को ये देखना है। तो जैसे ये मेरा हाइट में है तो मैं सेंटर, जो भी कोशिश करना है आपको सेंटर में रहे, ये ध्यान रखना है आपको सेंटर वाला लाइन का। लोगे तो ज़्यादा आपके लिए काम ईजी हो जाएगा और कम कमान लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले मेरा सेंटर में ये वाला मेरे को एज दिखता है और ये वाला फेस दिखता है जो मेरा फ्लैट है, ठीक है। तो ये मेरा फ्लैट है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे जाऊंगा, एक कमांड लगाऊंगा कंट्रोल टी, ठीक है। कंट्रोल टी से क्या होता है, मूव बॉडी होता है, मूव बॉडी कमांड आता है, मूव ऑब्जेक्ट कमांड आता है। तो यहाँ के बाद हम जाएंगे यहाँ पे सी वाइज टू सी वाइज में जाके पहले बॉडी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बॉडी सिलेक्ट करेंगे, सी वाइज सिलेक्ट करूंगा मैं ये वाला। उसके बाद जो मैं यहाँ पे सी वाइज दूंगा ये ऑटोमेटिकली आपका एक स्वाइप में ले लेगा, एक स्वाइप प्लान में ले लेगा आपको, जो एक स्वाइप प्लान होगा, देखो आप यहाँ पे एक स्वाइप प्लान में आ गया, ठीक है। अब एक स्वाइप प्लान में आ गया, अब मेरा जेट का हिसाब से जेट मेरा ठीक है, बट जेट की ड्राफ्ट के हिसाब से ठीक नहीं है। जेट जो है इस फेस के अकॉर्डिंग सेम है, मतलब इस जो फेस है उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर टू द फेस है, मतलब यहाँ पे मैं बात करूंगा तो इस फेस के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब लेकिन इस फेस के हिसाब से मेरा पार्ट जो है वो क्या है, इस फेस के हिसाब से मेरा पार्ट जो है अलाइन नहीं है। मैं कैसे देखूंगा, स्लोप करूंगा, स्लोप करने के बाद यहाँ पे मैं 0.5 का वो रखूंगा, 0.0 करना है तो 0.0 भी कर सकते हो, 0.0 करने में आप एकदम एक्यूरेट निकाल सकते हो। जब भी स्लोप मारोगे यहाँ पे 0.0 करोगे ना तो एकदम, मैं यहाँ पे 0.5 का रखता हूँ आप, ठीक है। एक लिमिट रहता है मिनिमम 0.5 का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जैसे नॉर्मल करता हूँ तो आप मुझे ये पता लगता है ये वाला मेरा निगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला भी निगेटिव है। तो मेरा इस फेस के अकॉर्डिंग मेरा जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं है। तो मैं इस फेस को एज ए रेफरेंस ले रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब मैं इस फेस को रेफरेंस कर लिया, लेकिन मेरे को ये देखना है, मेरे को एक एक एक्सिस में काम करके आना है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, जेड मैंने इस फेस के अराउंड जो है परपेंडिकुलर टू द ये वाला फेस कर दिया, यहाँ तक मुझे समझ में आ गया। अब मुझे इस फेस को क्या करना है, वाई में जो एक्स है ना, ये एक्स है, एक्स में अलाइन करना है। तो एक्स में मुझे पहले अलाइन करूंगा, एक्स का काम खत्म करूंगा, फिर मैं वाई में करूंगा, फिर मैं जेड को फाइनल करूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली कार में आऊंगा, कार में आने के बाद जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं यहाँ से एक लाइन ले लिया, ठीक है। लेकिन मैं जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इसका एक्स, ये जो एक्स है ना ये परपेंडिकुलर आएगा, मतलब इस वेक्टर की परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल टी दबाया, कंट्रोल टी दबाने से मुझे क्या करना है, बॉडी को सिलेक्ट करना है और मुझे इसको मूव करना है, ठीक है, मुझे इसको मूव करना है। तो मूव करने में मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि ये प्रॉपर तरीके से अलाइन हो। तो हम यहाँ पे लेंगे रोटेट बाई 3 पॉइंट लेंगे, रोटेट बाई 3 पॉइंट में मैं यहाँ पे वेक्टर लूंगा, ठीक है। वेक्टर लेने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे
स्टार्ट पॉइंट लूंगा। स्टार्ट पॉइंट मेरा कि यहाँ पिवोटेड पॉइंट जो लूंगा, पिवोटेड पॉइंट मेरा यहाँ पे दोनों का मीटिंग पॉइंट होगा, ठीक है, दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो होगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ। स्टार्ट पॉइंट मेरे को कहाँ से ले जाना है, मैं यहाँ से इसको ले जाना है मुझे यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं इस तरह से मैं ले जाऊंगा, तो मेरा बेसिकली किस में काम हो रहा है, एक्स में काम हो रहा है, ठीक है। मैं जेड को रेफरेंस लेके मैं एक्स में काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको मैं जेड को रेफरेंस लेके मैं जो एक्स में काम कर रहा हूँ, उसके बाद जो है मेरा ये हो गया है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैंने जो एक्स में काम करा है, मेरा जो एक्स का अलाइनमेंट है वो प्रॉपर बना है कि नहीं बना है, इसको मुझे देखना है, ठीक है। इसको मैं हाइड कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखूंगा मेरा जो एक्स है, देख रहे हो आप, प्रॉपर है, क्योंकि मिरर है। अब इसको मैं कॉन्फर्म कैसे करूंगा ये मेरा प्रॉपर अलाइन है कि नहीं, इसके लिए आप करोगे क्या, सिंपली जाओगे ऑफसेट में, ऑफसेट सरफेस, यहाँ पे सिंगल फेस कर लेना, टेंजेंट को बंद कर देना, इस फेस को सिलेक्ट कर लो, इस फेस को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, ऑफसेट कर दिया। फिर यहाँ पे जाऊंगा मैं होम में, मोर में गया, मिरर ज्योमेट्री, मिरर ज्योमेट्री में यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे जो मेरा प्लान होगा यहाँ पे मैं कौन सी करूंगा, मैं ये जो मेरा प्लान है इस प्लान को सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैं प्लान को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे आके मैं देखूंगा मेरा प्रॉपर अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख पा रहे हो प्रॉपर अलाइन है। तो मेरा जो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस बोले तो ये देखो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस अबाउट जो है इसको डिलीट कर दो आप, मेरा जो एक्स एक्सिस है इसके अलाइन ये प्रॉपर अलाइनमेंट हो रहा है, तो मुझे अभी एक्स एक्सिस का काम हो गया। मेरा एक्स एक्सिस जो है ना, ये वाला मेरा एक्स एक्सिस है ना, ये जो एक्स एक्सिस है इसका काम हो गया मुझे, यहाँ पे एक्स का काम हो गया। अब मुझे काम करना है जेड में और वाई में, ठीक है। तो वाई में मैं कैसे काम करूंगा, वाई में काम करने के लिए यहाँ पे तो वाई तो मिरर नहीं है आपका, तो वाई तो मिरर नहीं है, तो वाई में आप जो है कुछ पॉइंटों में वैल्यू जो है एरर आएंगे आपके, क्योंकि पॉइंटों में आपका एरर आएंगे, एरर नहीं आएंगे वो परमिसेबल ड्राफ्ट में आएगा आपका, एरर नहीं है एक्सरे, वो परमिसेबल ड्राफ्ट में आएगा आपका। तो हम क्या करेंगे अब जो है, एक बहुत बढ़िया सिंपल तरीका समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे को इसकी एंगल निकालना है, मैं कितना डिग्री में निकालूंगा, तो मैं यहां से सिंपली जो है, सिंपली क्या करना है, मैं ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से एक जो है मैं कहां तक ले जाना है मुझे, कौन सी पॉइंट तक, ये पॉइंट तक, ये ऊपर वाला पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, यहां तक ले लिया। अब उसके साथ ये जो तरीका बता दे रहा हूं, कोई नहीं बताने वाला, ना किसी को पता होगा, ध्यान से देखना ये, ठीक है। ये जो है इस तरीके से इसकी मुझे सेंट्रल लाइन निकालना है, सेंट्रल लाइन मेरे को कहां आई है, रहा मेरा सेंट्रल लाइन है ना, सेंटर जो पॉइंट है। अब उसके अबाउट मैं इसको परपेंडिकुलर कर दूंगा। पहले आपको क्या करना है, पहले जो है इसको जेड के अलावा परपेंडिकुलर करना है। तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर करने के लिए आप एक्शन वाई सी कर सकते हो, कर दिया मैंने, मैंने यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को समझ में आ गया है। अब उसके बाद क्या करूंगा मैं, अगेन मैं इस पॉइंट में आऊंगा, इस पॉइंट आने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एट टेंजेंट करूंगा, एट टेंजेंट एट एंगल, एट एंगल कितना डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लिक करो, सिलेक्ट फेस, रेफरेंस के लिए फेस मांग रहा है, इसका रेफरेंस दे दिया। अब इसको मैं माइनस को माइनस 90 डिग्री डाल दूंगा। अब देखो दोनों में बीच में एक एंगल है, अब मुझे इसकी एंगल जो है पता लग गया कि इतना डिग्री के आसपास एंगल होने वाला है आपका। तो मैं क्या करूंगा, एनालिसिस में जाऊंगा, जाने के बाद यहाँ पे मेजर एंगल में जाके यहाँ पे एंगल चेंज करूंगा मैं। अब देखो ये तरीका एक तरीके से ठीक है, 8.3 है, ठीक है, कितना है, 8.36 है। तो 8.36 जो है आपका, ये 8.36 का मतलब मुझे अराउंड इसकी ज़्यादा जाना पड़ेगा, इतना जो है इस फेस के अकॉर्डिंग है। तो मैं क्या करूँगा इसको, अब मैं यहाँ पर किस में काम करूँगा, वाई में काम कर रहा हूँ, तो कंट्रोल टी करूँगा, कंट्रोल टी करने में ठीक है 8 का आ रहा है मेरे वो, यहाँ पे मैं एंगल ले लूँगा और ये मैं ये वाला फैक्टर लूँगा, और यहाँ पे पॉइंट जो है जिस मीटिंग पॉइंट है, तो ये मीटिंग पॉइंट है इसमें मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपको ये देखना है इसकी जो रोटेशन करना है कितना करना है, सो प्रॉपर तरीके से आपका ये बैठ जाए। तो मैं यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा 8.6 है, तो मैं अगर यहाँ पे 9 का करता हूँ तो मेरा जो है कितने का बनता है, मैं पहले ही वो देखूंगा, ठीक है। मेरा 9 का बना रहा हूँ तो मेरे कितने का बनता है मेरे को पहले वो देखना है। तो सबसे पहले ये थोड़ी में थोड़ा सा टाइम लगेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे हम, रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे, क्योंकि मुझे ऊपर की डायरेक्शन में ले जाना है, ठीक है। ये जो आपका फिएट पुंटो है ना कार, उसकी आपकी फ्रंट व्हील है, ठीक है, तो उसकी आपको अलाइनमेंट करा रहा हो। अब हम ये देखेंगे ये जो है ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे तो ये कैसा होगा। तो सबसे पहले इसको होने देते हैं और उसके बाद जो है इसको ओके कर दूंगा। 9 डिग्री का मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब 9 डिग्री में बहुत कुछ सीधे आपका चेंज होने वाला है, मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या सीधे इसमें चेंज होने वाला है। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, उसके बाद जो है हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जाके स्लोप ले लेंगे। स्लोप लेने के बाद इसकी जो वेक्टर होगा जेड को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है।
इस तरीके से भी कर सकते हो और ड्राफ्ट एनालिसिस भी कर सकते हो, लेकिन ड्राफ्ट एनालिसिस करने में आपको अलग जगह में ये जो है 100 आने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग जगह में करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है इसको एनालाइज करके ओके कर देते हैं। जैसे ओके करते हो ना, यहाँ पे देखो निगेटिव ड्राफ्ट आ रहा है ना, यहाँ पे पॉजिटिव ड्राफ्ट है, इस साइड में आपका पॉजिटिव ड्राफ्ट मिलेंगे, लेकिन यहाँ देखो हर एरिया में ना निगेटिव ड्राफ्ट बन के आ रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव ड्राफ्ट है तो यहाँ पे निगेटिव ड्राफ्ट है, निगेटिव ड्राफ्ट है ना, ब्लू आ रही है आपकी। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको जो है और इम्प्रूव कर सकते हैं। और इम्प्रूव कैसे करेंगे, जो तरीका बताने जा रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीका है। इस तरीके से आप रेफरेंस निकाल सकते हो, 8 point something का था ना आपका, 8 point something है, तो इसको मैं अराउंड दुगना कर दूंगा बोले तो आपका जैसे क्या करूंगा, देर गुना कर देना है मेरे को, यहाँ पे देर गुना कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे अराउंड अगर मैं 14 का कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 14 डिग्री का कर दे रहा हूँ, 14 डिग्री में मेरा कितना चेंज हो रहा है मैं देखते हैं। ठीक है, 14 डिग्री में आप देख पाओगे कितना चेंज हो रहा है, यहाँ पे मैं दिखाते हूँ आपको, हल्का सा जो यहाँ पे चेंजेस तो मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो ड्राफ्ट है ये कितना डिग्री का ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को जो है अलग पॉइंट में मूव करना पड़ेगा। अब वो मैसेज मूव नहीं करना चाह रहा, देखो यहाँ पे ये मेरा ड्राफ्ट क्लियर हो गया, ये ड्राफ्ट क्लियर हो गया, ये वाला ड्राफ्ट क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पे ड्राफ्ट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यहाँ पे जो है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी पॉजिटिव में ही चाहिए मेरे को, है ना, यहाँ पे 90 डिग्री भी हो चल जाएगा क्योंकि यहाँ इस एरिया में लिप्टस चलाऊंगा मैं। ठीक है, तो 90 डिग्री भी हो चल जाएगा, यहाँ पे भी 90 भी हो चल जाएगा, लेकिन निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर निगेटिव होगा तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे फिर लिप्टस तो चलाऊंगा, लेकिन निगेटिव में नहीं चाहिए आपको, पॉजिटिव चाहिए। तो ठीक है, पॉजिटिव में ले क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इसको और बढ़ाऊंगा, और कैसे बढ़ाऊंगा मैं इसको, और जो है मैं इसमें 0.5 बढ़ा के देख सकता हूँ या 0.6 बढ़ा के देख सकता हूँ। तो पहले सबसे पहले हम 0.5 बढ़ा के देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये ब्लू आ रही है ना, इसको आपको कौन सा कलर करना है, ग्रीन करना है, ग्रीन मतलब 0.0 है। ठीक है, तो ग्रीन करना है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको 14.5 कर देते हैं। ठीक है, 14.5 करने में इसमें डिफरेंस क्या आता है हम देखते हैं वो। देखो सबसे पहले जो आपको जो अंदर जो आपकी लिमिट होती है, जैसे यहाँ पे मैंने 0.5 का लिमिट ले रखा हो, उस लिमिट के अराउंड जो है आप इसको चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे इसको 0.0 रखोगे ना तो यहाँ पे 0.0 रहेगा। हमें हमेशा कुछ सर्टेन लिमिट में लेके आपको काम करना है। ठीक है, अब जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे जो है ब्लू है, ये वाला एरिया को हाइट लिखना है आपको और ये वाला एरिया लिखना है। अब जो ब्लू है आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ब्लू से कौन सी कलर में आ गए, ये वाला कलर में आ गए, मतलब अभी भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ये जो है येलो हो गया, येलो मतलब यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसको जो है ग्रीन लाना है, ग्रीन लाना है, तो यहाँ पे आपको ग्रीन देखना है हर जगह, यहाँ पे ग्रीन देखना है, यहाँ पे भी ग्रीन देखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे मैंने क्या करा था, 0.5 का मैंने डिफरेंस कर दिया था, 0.5 में मेरे को ये वाला जो ब्लू एरिया है वो हाईलाइटेड हो गया, ये वाला जो है पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव में आ गया। अब मैं ये क्या करूंगा, इसको मैं चेंज करूंगा। हमेशा जब भी कोर कैविटी को इसको अलाइन करते हो, हमेशा कोर साइड से देखना, क्योंकि कोर साइड में रिब्स वगैरह बहुत ज्यादा होता है, बसेस वगैरह ज्यादा होते, तो वो रेफरेंस के लिए आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। तो 14.5 के जगह मैं इसको 14.8 कर देता हूँ। ठीक है, 14.8 कर देता हूँ। और 14.8 में क्या डिफरेंस होता है देखते हैं हम। तो आपको मैंने पहले क्या दिखा, एक्स में अलाइन करवा दिखा है, अब जो है मैं वाई में करवा रहा हूँ। जेड तो मेरा ऑलरेडी वाई में कर दूंगा, तो जेड मेरा ऑलरेडी अलाइन हो जाएगा मोल्डिंग डायरेक्शन के हिसाब से। तो मेरा कोई जेड में काम नहीं करना, जेड में मैंने स्टार्टिंग में काम करके इसको रेफरेंस ले लिया मैंने। अब मैंने एक्स में ठीक करा, फिर वाई में कर रहा। अब देखो ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया, देखो ग्रीन हो गया ना, ये ग्रीन हो गया। यहाँ पे देखो ये सारा चीज आपका जो है, यहाँ पे ड्राफ्ट कम है, इसके कलर थोड़ा सा चेंज है ना, क्यों, क्योंकि इसमें ऊपर कलर ड्राफ्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मेरे लिए अच्छी बात है। और यहाँ पे देखो सब ग्रीन हो गया। ठीक है, अब ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरे को कितना डिग्री का फर्क है, देखो यहाँ पे ग्रीन है ना, ग्रीन करना है आपको, मुझे लगता है ना कितना डिग्री का फर्क है, तो यहाँ पे जो स्लोप में ड्राफ्ट करते हो ना उसको कम ज्यादा करके आप देख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो इसी तरीके से कोई भी पार्ट को आप जो है अलाइन कर सकते हो, देख पा रहे हो किसी तरीके से आपको अलाइन करना है। और लिप्टर जो है देख पा रहे हो यहाँ पे हर जगह लिप्टर लगेंगे, बहुत सारा लिप्टर चलेंगे। ये मोल जो है आपकी जो फिएट कार है, पिंटो का है, तो उसकी जो है हम इसकी अलाइनमेंट आपको सिखा है आज। तो किसी को कुछ पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर किसी को ट्रेनिंग वगैरह से नंबर मेंशन है वहाँ पे जाकर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से क्लासेस वगैरह देते रहता हूँ। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात अभी है, जो मेरा ट्रेनिंग देता हूँ मोल्ड डिजाइन की, तो उसकी जो पहली की 3 क्लास है ना वो फ्री है, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना है, आप डायरेक्ट जाकर ज्वाइन कर सकते हो। 3 क्लास जो 3 फ्री क्लास होगा ना वो आप देख सकते हो, वो आप कर सकते हो, उसके बाद कोई फीस नहीं है। उसके बाद जो बाकी का क्लास होगा उसके लिए आपको जो है आप कंटिन्यू कर सकते हो, आपको अच्छा लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।